हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुका एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो यार, जो मैंने ये जो टैंक सेटअप किया था उसका अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं जो मेरे जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये जो तकरीबन ये जो अपडेट है मैंने आपको जो है 1 से 1.5 महीने के बीच में ही दे रहा हूँ। देखो कुछ इस तरह से जो है मेरा टैंक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, एक्चुअली जो मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे कुछ दिनों से जो है बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चल के देखता हूँ क्या मुझे एक्वेरियम प्लांट कुछ मिलता है। तो मेरे को एक ऐसा चीज़ मिला जो आप सुनोगे तो काफ़ी खुश हो जाओ। तो फ्रेंड्स, मेरे को जो है एक प्लांट की स्पीसीज मिली है, तो उसका नाम है हाइग्रोफिला डिफॉर्मस। और वो जो काफ़ी नॉर्मली जो है वाटर स्प्राइट की तरह दिखने में लगता है, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये वाटर स्प्राइट है या फिर हाइग्रोफिला डिफॉर्मस है। तो जब मैंने उसके बारे में अच्छी तरीके से जो है सर्च किया इंटरनेट पे, तो कन्फर्म हो गया कि वो हाइग्रोफिला डिफॉर्मस है। तो उसको जो है मैंने कुछ थोड़े वहाँ पे का जहाँ पे मैं गया था लेने के लिए जिस जगह पे, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट थे, मतलब हाइग्रोफिला ही बहुत सारे। तो वहाँ से मैंने जो है कुछ दो चार सैंपल लाए हैं प्लांट के, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। और मैंने जहाँ से वो जो प्लांट लाया वो एरिया भी आपको दिखा देता हूँ कि ताकि जो आपको समझ में आए कि अगर आपके पास नियरेस्ट कुछ ऐसा एरिया है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे जो है प्लांट आपको मिल सकती है एक्वेरियम के, तो आप एक बार ज़रूर जा कर देखें। तो मैं दिखाता हूँ वो प्लांट कैसा दिखने में है। सो फ्रेंड्स, यही है हाइग्रोफिला डिफॉर्मस, आप देख सकते हो। और आप एक बात और देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा ब्राइट और ग्रीन लग रहा है। तो एक्चुअली जहाँ से इसको मैंने लाया है तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा था, एक्चुअली वहाँ पे जो है रनिंग वाटर चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता है इसे जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट में जो CO2 से मिल रहा होगा। तो तक जो भी है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्रीन और ब्राइट है। और आप देख सकते हो एक्चुअली मैंने जो है इसे एक बाहर ही रखा है, मैंने अभी तक इसे एक्वेरियम में इसे सेटअप नहीं किया क्योंकि मेरे एक्वेरियम में अभी कोई सा भी स्पेस नहीं इसे लगाने के लिए। तो मैं अब जब तक मैं अपने एक्वेरियम में स्पेस ना बना लूँ तब तक मैं इसे रख नहीं सकता। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो है जस्ट मैंने 2 या 3 दिन पहले ही इसे जो है इस प्लास्टिक के कंटेनर में ही जो प्लांट किया है। तो इसे बाहर रखने के एक और रीज़न है कि आप देख सकते हैं ये जो प्लांट जहाँ से मैंने जो लोकल एरिया से लाया है, तो पता नहीं कि इसमें कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया जो इस पर रहे। और अगर आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप जो है अगर कोई सा ही प्लांट अगर लाते हो, अगर आप उसे डायरेक्टली अपने एक्वेरियम में ही सेटअप कर देते हो, तो वो एक्चुअली होगा कि अगर उसमें कोई सा भी खराब बैक्टीरिया या फंगस होगा तो आपके प्लांट को जो है जो आपने प्लांट किया अपने एक्वेरियम में उसे जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा और ख़राब भी कर सकता है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो आप इसे कैसे बच सकते हो अनवांटेड बैक्टीरिया फंगस से? तो अगर आप कोई सा ही प्लांट लाते हो बाहर से, तो आप उसे अच्छे तरीके जो है फ्रेश वाटर से धो लें काफ़ी अच्छे तरीके से 2 या 3 बार, तभी आप उसे अपने एक्वेरियम में ही प्लांट करें। तो मैं इस प्लांट को तकरीबन 3 या 4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूंगा इस प्लास्टिक के कंटेनर में, और मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा कि जो है इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ अगर इसमें मुझे देखने को मिलेगी तो ही मैं इसे अपने एक्वेरियम में प्लांट करूंगा। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं इसे प्लांट कैसे करना है और कुछ दिनों के बाद देखते हैं इससे क्या होता है। तो आप देख सकते हो इसे जो है तकरीबन मैंने 4 दिन के लिए जो इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत जो है ग्रोथ देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ इसका ग्रोथ जो कैसे, आप प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूँ। 1 सेकेंड आप देखो, मैंने जो है इसका थोड़ा सा पार्ट जो है तोड़ करके मतलब मिट्टी में ही डाल दिया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इसकी एक यहाँ पे जो है इसकी एक पुरानी रूटिंग है, और ये वाले जो आप देख रहे हो ये वाइट वाले, ये जो है इसका न्यू रूटिंग है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छा हेल्दी से ग्रो हो रहा है। और तो चलिए अब हम इसे अपने एक्वेरियम में सेट कर दे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इसकी जो है रूटिंग अच्छे तरीके से हो रही है। तो चलिए अब हम इसे अपने एक्वेरियम में सेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने जो है हाइग्रोफिला डिफॉर्मस जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था उसको जो है मैंने अपने एक्वेरियम में प्लांट कर दिया है अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा एक्वेरियम का जो लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप एक चीज़ में आप मिसिंग देख सकते हो, वो शिप रेक जो यहाँ पे था उसको एक्चुअली मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक रीज़न से मैंने उसको लाया था, बट वो रीज़न अभी तक आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसको हटा ही देना बेटर है।
तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इससे पहले जो मेरा एक जो थीम था जंगल बेल का, तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने जो सिर्फ जंगल बेल का ही प्लांट जो यूज़ किया था और कोई सा भी नहीं। तो एक्चुअली ये जो प्लांट है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये एक्चुअली आप देख सकते हो ये एक्वेरियम में लगने के बाद जो है काफ़ी एक अच्छा बुशी लुक दे रहा। तो मैंने सोचा कि चलो इसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ दो चार जो है जंगल बेल यहाँ पे यूज़ किया है, और बाकी सब जो है ये हाइग्रोफिला डिफॉर्मस ही है। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताओ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।